नमस्कार, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की, जो आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। श्यामलाल कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना 1964 में हुई। इस कॉलेज के फाउंडर श्री श्यामलाल गुप्ता जी थे, जिनके नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। अगर हम श्यामलाल कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो यह कॉलेज सहादरा दिल्ली में स्थित है। अगर आप श्यामलाल कॉलेज मेट्रो के द्वारा आना चाहते हैं तो इस कॉलेज के नियर मेट्रो स्टेशन सहादरा मेट्रो स्टेशन है, जो रेड लाइन पर स्थित है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करोगे तो आपको बाहर ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो आपसे 5 रुपये लेकर आपको कॉलेज तक पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं श्यामलाल कॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की। नंबर एक, हॉस्टल। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में हॉस्टल की बात करें तो इस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं है। आपको रहने के लिए पीजी लेना होगा, जो आपको कॉलेज के आसपास आसानी से मिल जाएगा। नंबर दो, कैंपस। अगर हम श्यामलाल कॉलेज के कैंपस की बात करें तो इस कॉलेज का कैंपस है वो काफ़ी बड़ा कैंपस है। नंबर तीन, फीस। अगर हम श्यामलाल कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो इस कॉलेज की 1 ईयर की फ़ीस बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज़ के लिए 15,800 रुपये है, बाकी आपके कोर्सेज पर डिपेंड करता है। नंबर चार, फेस्ट। अगर हम श्यामलाल कॉलेज के फेस्ट की बात करें तो इस कॉलेज का फेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। नंबर पाँच, फैकल्टी। अगर हम श्यामलाल कॉलेज की फैकल्टी की बात करें तो इस कॉलेज की जो फैकल्टी है वो भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी की फैकल्टी काफ़ी अच्छी हैं। नंबर छः, कैंटीन। अगर हम श्यामलाल कॉलेज की कैंटीन की बात करें तो इस कॉलेज की जो कैंटीन है वो भी काफ़ी अच्छी कैंटीन है, जिसमें आपको खाने के लिए छोले भटूरे, राजमा चावल, चिल्ली पटेटो, सैंडविच, समोसा, पेटीज और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर सात, सेफ्ट। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में शिफ्ट की बात करें तो इस कॉलेज में 2 शिफ्ट हैं, इवनिंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट। नंबर आठ, सोसाइटीज़। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में सोसाइटीज़ की बात करें तो इस कॉलेज में कई सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, क्विज सोसाइटी और भी काफ़ी सारी सोसाइटी हैं। नंबर नौ, प्लेसमेंट। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कई सारी कंपनी आती हैं, जैसे EY, KPMG, बजाज, एक्सिस बैंक, RBS और भी काफ़ी सारी कंपनियां इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। नंबर दस, क्राउड। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में क्राउड की बात करें तो इस कॉलेज का क्राउड है वो काफ़ी अच्छा खासा है। नंबर ग्यारह, रैंकिंग। अगर हम श्यामलाल कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो इस कॉलेज को 2020 की NIR रैंकिंग के अनुसार ऑल इंडिया में 69वां स्थान प्राप्त हुआ। नंबर 12, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में स्पोर्ट्स की बात करें तो इस कॉलेज में आप हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, नेटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो और भी काफ़ी खेल खेल सकते हैं। नंबर 13, श्यामलाल कॉलेज में वेल मेंटेन लाइब्रेरी है, जिसमें बड़ी संख्या में बुक्स, मैगजीन्स एंड अगर आप डेली न्यूज़ भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कॉलेज की लाइब्रेरी में वो भी अवेलेबल है। श्यामलाल कॉलेज में ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड कैंपस में वाईफाई की सुविधा भी है। नंबर 14, कोर्सेज। अगर हम श्यामलाल कॉलेज में कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज से आप BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BCom, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस जैसे और भी काफ़ी कोर्सेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।